हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमने लाया है आपके लिए फिर कुछ नया, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में इसी तरह से कुछ ना कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो आज मैंने अपनी वीडियो में लाया है एक क्रैम्पिंग प्लेयर लाया है दोस्तों, जिससे हम लग्स वगैरह क्रैम्पिंग कर सकते हैं और वायर वगैरह छील सकते हैं, तार काट सकते हैं। वायर कटर है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। तो वो वीडियो भी आपको बना के डालता हूँ ताकि आप लोगों को आगे की जानकारी मिले और किस तरह से यूज़फुल होता है ये भी मैं आपको दिखा सकूँ। तो हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए भी अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ये क्रैम्पिंग प्लेयर है, जिससे लग्स वगैरह हम क्रैम्पिंग करते हैं। तो ये मैंने 400 रुपये का ख़रीदा है। 4 mm तक इसके अंदर हम क्रैम्पिंग कर सकते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 350-400 में ये मार्केट में आता है और ये स्टेपलेस, ये वायर भी छिलता है और कटर भी है और क्रैम्पिंग भी करता है। तो मुझे बहुत पसंद आया, ये अच्छा लगा। और ये वायर छिलने के लिए खांचे दिया हुआ है यहाँ पे, 1 mm से लेके हम 4 mm तक के वायर इसको छिल सकते हैं। और इसमें कटर दिया हुआ है यहाँ पे आगे वायर कटिंग करने के लिए, ये कटर है, हम वायर काट सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से काम होता है। और ये पूरा वायर छीलने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको छील के दिखा देता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगा इसके लिए, इसका भी एक मैंने छील दिया। काफ़ी आसानी से ये वायर छिल जाता है, बाकी प्लेयरों में ताकत लगाना पड़ती है। और ये कटर है, ये छील दिया, देखो ये छीला मैंने, ये काफ़ी सफाई से छिल जाता है हमारा PVC। और ये कटर कटिंग कर दिया मैंने, तो ये कटर का भी काम करता है और वायर छीलने भी काम आता है। ये देखो ये कटर, ये छीला मैंने और काफ़ी PVC को आसानी से ये कट करके निकाल देता है। इस तरह के लग्स आते हैं, मैंने ये लग्स लिया हुआ है स्विच वगैरह में, मैं ऐसे ही लगाता हूँ सॉकेट वगैरह में, DP में। ये पिन भी आती है, रिंग पिन, रिंग आती है और एक स्टेट पिन आती है। बहुत किस्म के लग्स आते हैं मुझे जो काम में आ सकते हैं, मैंने वो लिया है 1 mm, 1.5, 2.5, 4 mm तक मैंने लिया है। ये आपको एक सैंपल बता रहा हूँ, इसमें रिंग टाइप भी आती है, स्टेट भी आती है और काफ़ी क्वालिटी के लग्स आते हैं। तो बस इसको इसी तरह से वायर को छील के PVC के नीचे से रख के इसको लगाना है। आगे से थोड़ा वायर को हम सीधा कर लेंगे ताकि हमारा पूरा वायर PVC के ऊपर नहीं चढ़ाना है इसको, और काफ़ी अच्छे से बैठता है। हम स्विच वगैरह में मैं ऐसे ही कनेक्शन करता हूँ, जो भी हमारा हर बल्ब का, फ़ैन का जो भी आता है, मैं इसी तरह से लग्स को क्रैम्पिंग करके स्विच में, सॉकेट में और DP में डालता हूँ। ये देखिए सब अलग अलग है, वह 1.5 है, 2.5 है, मैंने ये सब अलग अलग तरीके का लिया है। तो ये इस तरीके से हम ये अपने वायर पर चढ़ाएंगे, PVC के नीचे रखेंगे, PVC के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे इसको। देखिए इस तरह से हमको लगाना है और थोड़ा सा सही कर ले ताकि हमारे सारे तार अंदर जाएं। इससे काफ़ी फिनिशिंग में बैठता है और जब हम स्विच पे लगाने के बाद जब स्क्रू को टाइट करते हैं तो वायर काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, इससे वायर डैमेज नहीं होते। देखिए मैंने चढ़ाया है ये इस तरह से अपने ब्रास के तार पे, या जो भी आपका वायर हो उस पर चढ़ा के आपको इसको क्रैम्पिंग करना है। तो 4 mm, 1 mm, 1.5, 2.5, ये जो प्लेयर मैंने लिया है ये 4 mm तक के काम कर सकता है और इससे ज़्यादा बड़े की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वायरिंग के काम में इतना बस हो जाता है। जो बेस्टी वगैरह का जो इंडस्ट्रियल काम होते हैं उसमें बड़े बड़े क्रैम्पिंग प्लेयर लगते हैं। तो ये इस तरीके से हमको लगाना है और काफ़ी अच्छे से बैठता है दोस्तों। ये देखिए मैंने ये अटका दिया, PVC के नीचे ही रखना है, सिर्फ हमको ब्रास का जो तार है उसके ऊपर इसको लगाना है। और ये पीछे का कोना है, देखिए मैं ये रख के इसको ज़ोर से पुश करूँगा, ज़ोर से दबा दूंगा इसको, तो ये बड़ी आसानी से जो है क्रैम्पिंग हो जाएगा। ये देखिए मैंने दबा दिया और ये हमारा जो पिन बैठ गया है। अब इस स्विच में मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया और DP वगैरह में डाल देता हूँ। काफ़ी फिनिशिंग में बैठता है, काफ़ी मज़बूत बैठता है। तो ये 400 रुपये का है, 350-400 में मार्केट में मिलता है। ये कटर है यहाँ पर वायर कटिंग, ये वायर छिलने का है और ये तार वगैरह काटने के लिए होल दिया है, आप तार भी काट सकते हो। ये सब क्रैम्पिंग है, ये आगे फिर कटर दिया हुआ है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, तो आप लोग तक भी ये बता रहा हूँ कि अगर आप वायरमैन हो, एक अच्छे वायरमैन हो। ये देखिए किस तरह से हम वायर कट करेंगे, ये वायर कट हो गया और आगे भी कटर है, देखिए ये भी वायर कट हो गया और ये वायर छीलने के लिए है।
काफ़ी आसानी से छिल जाता है। देखिए जितना हमको ग्रिप चाहिए उतना दबा के उसमें सब गैप दिए हुए हैं, और इस तरह के लग्स आते हैं मार्केट में, मिलते हैं। और मैंने पिन भी ले लिया था, कभी हमको अर्थिंग वगैरह वायर डालने के लिए, अर्थ के लिए हम पिन को क्रैम्पिंग करके डायरेक्ट मोटर वगैरह में नट के साथ फिट कर देते हैं। काफ़ी साइज़ आते हैं, 1 mm से लेके 4 mm तक, इससे बड़े भी आते हैं लेग्स, लेकिन मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी अच्छा है, एक प्लेयर काफ़ी काम करता है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, हल्का है, बेस्ट है और यूज़ करने के लायक है दोस्तों। तो इस तरह से ही सब काम होता है। देखिए मैंने लगाया है, ये खींचो तो भी नहीं निकलेगा, बस मजबूती से क्रैम्पिंग हो गया है, आपको दिखा रहा हूँ मैं खींच के। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पसंद कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एकदम मजबूत है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमने अपनी वीडियो में बताया है कि कैंपिंग प्लेयर जो है ये वायर कटर भी है, वायर स्ट्रिप भी कर सकते हैं और लग्स भी लगा सकते हैं। 1 पॉइंट से लेके हम 4 mm तक इसको लग्स को क्रैम्पिंग कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है। मैं इसको स्विच वगैरह में भी वायर को क्रैम्पिंग करके स्क्रू में डाल के टाइट करता हूँ। DP वगैरह होती है, जो हमारे जो ट्रिपर वगैरह होते हैं, काफ़ी फिनिशिंग में काम होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जिस तरह इंडस्ट्रियल वगैरह में होते हैं उनके लग्स थोड़े बड़े होते हैं, उनके केबल्स बड़े होते हैं, लेकिन अपने हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये, मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, कोई नए काम के साथ, किसी नए वर्क के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, बाय।